तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारे रिश्तों में सुधार दिखाई पड़ेगा, तुम्हारे घर में सुख बढ़ेगा, तुम्हारे घर में संपदा वैभव कीर्ति यशमान सम्मान बढ़ेगा और तुम्हारा मन प्रफुल्लित होगा। तुम जिस वजह से बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो, जिस कारण से तुम पूरा डिप्रेस्ड हो, जिस वजह से तुम्हारा दिनचर्या खराब है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। बस ये कुछ चीजें मिला करके जला देना है मात्र। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। यहाँ शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। यहाँ हर रिश्ते को बाखूबी समझा जाता है। बिटिया दामाद हो, बेटा बहू हो, बच्चों का हो, संतानों का हो, आपके नाते रिश्तेदारों का हो, आपका स्वयं का रिश्ता हो, जहां बात रिश्तों की है, संबंधों की है, वहां लव विद एस्ट्रोलॉजी है। हम पिछले 20-21 सालों से ये काम कर रहे हैं और अभी तक कंप्लीटली जो लोग सफल हो चुके उनकी संख्या 21 लाख है। हाँ जी, और सक्सेस रेट यहाँ का 95% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और वो रिसर्च सीधा आपको साझा किया जाता है। रिश्तों को कैसे समझा जाए, संबंधों को कैसे माना जाए, दिल टूटने से कैसे बचा जाए, कैसे अपने जीवन में प्यार भरा जाए, वो सब यहां सिखाया जाता है इस पाठशाला में, इस कक्षा में, इस एजुकेशन सेंटर में, इस इंस्टीट्यूट में, इस जगह पर आपको आपसे मिलाकर जीवान्वित किया जाता है। और हम लोग ये सब कुछ बड़ा मनोयोग से कर रहे हैं। कुछ दिनों से इस यात्रा को यूट्यूब पर भी हम चला रहे हैं। यूट्यूब पर हम 125,000 के ऊपर हो चुके हैं। हमारा परिवार, हमारा कुटुंब अब 125,000 से ज्यादा लोगों का है। ये सब बड़े आसानी से, बड़ी सहजता से चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप सब लाभान्वित हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है, इसलिए इस आयाम का, इस प्रयोजन का आनंद है। प्रेम है क्या? क्यों प्रेम में इतना दर्द होता है, इतनी तकलीफ होती क्यों है? आज मैं उसका सलूशन लेकर के आया हूं। क्यों तो मैं बताऊंगा ही, साधन भी बताऊंगा। ये कुछ चीजें एक साथ मिलाकर जला देना, इसका धुआं जहां जहां जाएगा, जिस भी कंडीशन पर पहुंचेगा, हवाओं में, फिजाओं में वो बात फैल जाएगी और तुम्हारा काम होगा ही होगा। तुम्हारे दुखों से तुम्हें निवृत्ति मिलेगी, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा, तुम्हें उस बात से निजात मिलेगी जिससे तुम बहुत परेशान। सोल्यूशन होगा प्रेम। प्रेम अपने आप में बड़ी अलौकिक साधना है। मैं कहता हूं प्रेम का अभाव है इसलिए जीवन में कष्ट का प्रभाव है। मुझसे बहुत बार लोग कहते हैं आप किस प्यार की बात करते हो, लव विद एस्ट्रोलॉजी में जो लव है ना, बड़ा बदनाम शब्द है। मैंने कहा साहब सावधान होकर बोलना, लव बदनाम नहीं, लव में ही नाम है, बाकी कुछ कहीं है ही नहीं। सिर्फ प्रेम ही है दुनिया में। प्रेम हटाया तो सब खत्म हो जाएगा। ब्रांडेड चीजें बिकनी बंद हो जाएंगी, सौंदर्य प्रसाधन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सुंदरता के पीछे लोग भागना बंद कर देंगे, अच्छी चीजें बनेंगी नहीं, बेहतर चीजें होंगी नहीं, कुछ अच्छा करेंगे नहीं लोग और घर से बाहर जाएंगे नहीं लोग, लोग किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहेंगे, दुनिया पूरी समाप्त हो जाएगी एक दिन। क्योंकि जो भी कुछ है, प्रजनन से लेकर के, जन्म लेने से लेकर के, शिक्षा एजुकेशन से लेकर के, बड़े होने तक को लेकर के, जो भी कुछ तुम देख रहे हो सब प्रेम का ही प्रकल्प है। सबकी ममता ताग बटोरी, सब चीजें एक साथ बटोर कर परमात्मा चल रहा है। परमात्मा की भक्ति का असली और वास्तविक नाम अमलया है, प्रेमा भक्ति, प्रेम है। उन भक्तों को पूछो जो बड़े भक्त हैं,
वो अपने आप को प्रेमी समझते हैं भगवान का, रोने तक लग जाते हैं। और सब छोड़ो, जरा उस माँ बाप से पूछना जिसके घर में एक ही बच्चा था और प्रेम की वजह से, प्यार की वजह से, दुनियादारी में पड़ जाने की वजह से उसने अपना जीवनांत कर लिया। उन माँ बाप से पूछो, उस माँ बाप से पूछो जिसने सब खो दिया। उस व्यक्ति से पूछो जिसके कुल का दीपक या कुल की दिया चली गई। ये वेदना, ये कष्ट, ये पीड़ा उन लोगों से पूछो जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट कर परेशान है। उन लोगों से पूछो जो पुलिस थाना मुकदमा, ऐसे कोई जगह नहीं बची जहां पहले कभी गए नहीं और अब सब चीजों में जाना पड़ रहा है। उनसे पूछो कि ये सोल्यूशन कितना जरूरी है उनके लिए, आपको इमीडिएट जवाब मिलेगा। उन्हें पूछो जिन्हें अपने घर में अच्छा दामाद या अच्छी बहुरिया बिटिया लेकर आनी है, उनसे जरा पूछो इस बारे में कि ये संदर्भ कितना महत्वपूर्ण है। ये प्रकल्प विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रकल्पों में से है, ये उस समय आपको पता चलेगा जब आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिलोगे। ये सारी की सारी चीजें आपको तब आनंद देंगी जब आप और इसके अंदर प्रवेश करेंगे। आज का सोल्यूशन बहुत आनंददेह है। ये व्यवस्था उस हवन और उस यज्ञ से ली गई है जिनकी धुनि में बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, शुद्ध यति रवन करते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं, जिस यज्ञ और आहुति की वजह से पूरे विश्व में सब कुछ मिलता है। होम, हवन, यज्ञ, इसका बड़ा प्रभाव है। ये फिजाओं में फैलकर हवाओं के साथ होते हुए चले मरुत 49 प्रकार की हवाएं हैं, उनमें व्याप्त होके तुम तो एकाध को ही जानते हो जो तुम्हारे शरीर में लग रहा है। 49 प्रकार की हवाएं हैं, उन फिजाओं में फैल कर ये वहां तक पहुंचता है जहां तक तुम खुद भी नहीं जा सकते, जहां की वजह से सब चीजें ठीक होती हैं और जहां की वजह से सब खराब होता है। तो आज उसी विषय से तुम जुड़ रहे हैं। छोटी सी सामग्री सिर्फ जला देनी है, उससे तुम्हारे जीवन में प्रेम, आनंद, वैभव, संपदा सब कुछ मिलेगा। तुम जिस कारण से सबसे ज्यादा दुखी हो वो तत्काल ठीक हो जाएगा। सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज आपके बीच का अनुभव आपके साथ सीधा साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु जी कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुदेव, कुछ बताना है आपको, पर बहुत खुश हूँ, बहुत सारा थैंक यू आपको। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, ये सब आपका आशीर्वाद। आप साक्षात प्रभु भगवान है, सच में साक्षात आप शिव का रूप है। भगवान शिव ने आपको भेजा है हम जैसे लोगों के लिए। आप बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं। गुरुदेव, मुझे पूरा विश्वास है कि वो अब खुद से शादी के लिए बोलेंगे। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मुझे मेरे पति आनंद 7 जन्मों के लिए मिलेंगे और हम सदैव अपने पति के साथ रहेंगे। हमारा घर संसार खुशियों से भर जाएगा। मैं उनकी हूँ, वो मेरे हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मुझे ये खुशियाँ, मुझे ये दौलत देने के लिए गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जीवन में आप सदैव ऐसे ही रहिएगा। आपका प्यार, आपका दुलार, आपका आशीर्वाद और डांट हमेशा मिलती रहे, क्योंकि आपकी डांट बहुत ज़रूरी है। आप मुझे इतना अच्छा बनाए हैं ना कि अब किसी भी हालात में, किसी भी तरह से मैं कभी भी हार नहीं मानती हूँ। थोड़ा सा नर्वस हूँ 2-4 सेकंड के लिए, फिर आप याद आते हो कि आप तो मेरे पास हो ना, मैं किसी चीज़ से कैसे हार सकती हूँ। और आंसू तो अब बिल्कुल आते ही नहीं, रोना तो सच में बिल्कुल गायब सा हो गया है। और वो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मैं कैसे हार सकती हूँ, मेरे पास तो आप हैं, मेरे पास मेरे गुरुदेव हैं, मैं कैसे हार सकती हूँ। दुनिया की सारी खुशियाँ, जो जो मैं चाहती, मुझे सब कुछ मिला है और आगे भी मुझे सब कुछ मिल रहा है और मिलेगा, क्योंकि आप मेरे पास हो और आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। गुरुदेव, मुझे पता है आप भले बात करो या ना करो, पर हर वक्त आप मेरे पास होते हो। गुरुदेव, ऐसे ही सदैव मेरे पास रहिएगा। मेरे पास आपके सिवा कोई भी नहीं है, मेरे माता पिता, भाई, दोस्त, सब कुछ आप हो। सदैव आपका साथ, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर, आनंद के ऊपर, बिटिया आराध्या के ऊपर सदैव बना रहे। गुरुदेव, बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारी बातें, बड़ा लंबा 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 चारों चौड़ा आपका, सब बहुत अच्छा था। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। बस एक ही बात है कि इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। मैं एकदम इंसान हूँ और बहुत सामान्य इंसान हूँ, एकदम तुम लोगों से भी छोटा इंसान हूँ, मुझे ऐसे ही रहने दो। बस हाँ, ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाता हूँ, बस इतनी सी खास बात है।
बाकी सब वैसा ही है जैसा तुमने है। मैं भी भोजन करता हूँ, सोता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, जागता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, चिल्लाता हूँ, चीखता हूँ, क्रोध करता हूँ, सब कुछ करता हूँ जो तुम करते। बस इतना सा अंतर है कि मुझे कोई विधा आती है, मैंने किसी शिक्षा को, किसी व्यवस्था को जाना है, इसलिए तुम्हारे लिए वो लाभ के लिए खजाना खोला है। बस इतनी सी बात है। खैर, बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहिए, व्यवस्थित रहिए, ठीक रहने की कोशिश करिए। मैं हूँ तो ही तुम्हारे साथ। उपाय बता रहे हैं। आपके अपने धाम में 8 जुलाई से 19 अगस्त तक एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिन भी लोगों का काम अभी तक नहीं हुआ है, जो बहुत परेशान है, जिनके जीवन में हर हाल में उनको अपना प्रेम, अपना संबंध, अपना रिश्ता, अपना रिलेशन ठीक करना है, वो सीधा सम्मिलित हो सकते हैं। इस महायज्ञ का विशेष प्रयोजन है आपके जीवन में हर हाल में आपको जिताना। इसमें प्राथमिकता है 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा, अनेकों अन्य अन्य कार्यक्रम भी इसमें संपादित किए जा रहे हैं। इस यज्ञ में आप तत्काल तौर पर अपना नामांकन करा लें, क्योंकि बहुत कम लोगों को हम इसमें सम्मिलित कर पा रहे हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हैं। आपको पता है कि आपके परिवार में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपना नामांकन कराएं। इसमें आप वही लोग नामांकन कराएं जो इस यज्ञ में इस काल के मध्य में किसी भी दिन आकर सम्मिलित हो सके। इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि आपको सशरीर आकर के सम्मिलित होना है, क्योंकि अभी तक हम जो भी यज्ञ करते थे आपका काम फोन पे चल जाता था। इस बार आपको सशरीर आकर के इसमें सम्मिलित होना है। आप सपरिवार आ सकते हैं। इसमें भोजन प्रसाद इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था है। जय शिव शंकर। उपाय में आपको करना क्या है, थोड़ा सा चोकर लेना है। चोकर में 3 चुटकी अपने ही हाथों से नमक डाल दीजिए, 7 चुटकी राई डाल दीजिए, और लास्ट चीज बता रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण है, ये वस्तु आपको हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल से मिले, लेकिन अगर मिलता है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये सामग्री जनरली हर पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाती है, ऐसी कोई खास बात नहीं। हमारे यहाँ उसे घोंचू बोलते हैं, कुछ लोग उसे रत्ती कहते हैं। इसका कलर बिल्कुल छोटा छोटा होता है, लाल कलर का, ऊपर से ब्लैक कलर का निशान लगा होता है, बिल्कुल रेड होती है, खूब सुर्ख रेड होती है। फोटो आपको दिखाई जा रही है बगल में, बिल्कुल ऐसी ही दिखती है, रेड कलर की, और ऊपर ब्लैक कलर का स्पॉट बना होता है। ये 7 लेकर उसमें डाल देना है, सबको मिक्स करना है, और खूब सारा कपूर डालकर सुनसान जगह में जाकर सिर्फ अपने ऊपर से 7 बार उतार करके जला देना है। 7 जन्मों के लिए तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ होगा, तुम हमेशा के लिए सुखी, समृद्धशाली, ऐश्वर्यवान, कीर्तिवान, धनवान, बलवान हो जाओगे, और तुम्हारा सब तरह से मनोरथ सिद्ध होगा। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। 7 के 7 दिनों में कभी भी किया जा सकता है, किसी भी स्थिति परिस्थिति में किया जा सकता है। बस आपको गुरु आदेश लेना है। गुरु की श्रद्धा, गुरु के प्रति विश्वास, गुरु के प्रति आदर सम्मान, ये काम को और मजबूत करता है। 30% उपाय और 70% गुरु की तपस्या और साधना फल देती है। तो आपको खूब मन से करना है, खूब श्रद्धावान होकर करना है, खूब बेहतर तरीके से करना है, ताकि तुम जीत जाओ। तुम्हारी जीत में हमारी भी जीत है। तुम अच्छे रहोगे तो हम और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, अपना खूब ख्याल रखो, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। मैं हूं तुम्हारे साथ। रोना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना, उल्टा सीधा बिल्कुल मत सोचना, किसी भी तरह से परेशान मत होना। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं, तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, सबका ख्याल रखने की तरफ मैं वचनबद्ध हूं। आप सिर्फ अपना ख्याल रखो। ओम नमः शिवाय। आपके अपने धाम में 8 जुलाई से 19 अगस्त तक एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिन भी लोगों का
काम अभी तक नहीं हुआ है, जो बहुत परेशान है, जिनके जीवन में हर हाल में उनको अपना प्रेम, अपना संबंध, अपना रिश्ता, अपना रिलेशन ठीक करना है, वो सीधा सम्मिलित हो सकते हैं। इस महायज्ञ का विशेष प्रयोजन है आपके जीवन में हर हाल में आपको जिताना। इसमें प्राथमिकता है 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा, अनेकों अन्य अन्य कार्यक्रम भी इसमें संपादित किए जा रहे हैं। इस यज्ञ में आप तत्काल तौर पर अपना नामांकन करा लें, क्योंकि बहुत कम लोगों को हम इसमें सम्मिलित कर पा रहे हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हैं। आपको पता है कि आपके परिवार में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपना नामांकन कराएं। इसमें आप वही लोग नामांकन कराएं जो इस यज्ञ में इस काल के मध्य में किसी भी दिन आकर सम्मिलित हो सके। इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि आपको सशरीर आकर के सम्मिलित होना है, क्योंकि अभी तक हम जो भी यज्ञ करते थे आपका काम फोन पे चल जाता था। इस बार आपको सशरीर आकर के इसमें सम्मिलित होना है। आप सपरिवार आ सकते हैं। इसमें भोजन प्रसाद इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था है। जय शिव शंकर।